काट दूंगा जोर से। हाँ जरा लोग को एक साथ में और से जिसे पंखे की स्पीड कम पूरी ताकत लगा जोर से जोर से। कहां से पकड़े थे? शमशान से, कब्रस्तान से। तो खुद ब खुद आया कोई लाके छोड़े? कौन है तू? जोर से जोर से। हाँ कौन है? मैं दोनों हाथ काट दूंगा जल्दी। कौन खिलाए थे वो? कौन खिलाया था? किस चीज में मिला के खिलाए थे? पानी में। कहीं में? पानी में। कहीं का पानी था वो? सादा पानी था, शरबत था? क्या था? जोर से। क्या था? याद नहीं आ रहा। अब भी जला देता हूँ, दोनों हाथ काट देता हूँ। जकड़ो उसके हाथों को तेजी के साथ में। नहीं, तू दे दे वो हाथ, अब काट के ले लेता हूँ वो हाथ भूतों का तेरा। कई में खिलाए थे? खाने में। कई का खाना था वो? अभी खाना बोला, पानी बोला इससे पहले तूने? पानी बोला था। हाँ दो तीन बार डाले अलग अलग। किधर के लोग थे? नाम नहीं पूछा मैं, खाली ससुराल के तरफ के थे, मायके के तरफ के थे? कहाँ के? यहाँ के। कहाँ के? हैदराबाद के। हाँ औरंगाबाद के। श्रीरामपुर। हाँ श्रीरामपुर के। श्रीरामपुर के है। हाँ अच्छा, जादू कहाँ से चलाए थे? जादूगर कौन था? हिंदू का था, मुसलमान का था? हिंदू का था। अच्छा कितने पैसे लिया था? बहुत लिया तूने। कितने? बच्ची को मार दो बोला था क्या? मार दो बोला थे, हुकुम दिया था। अच्छा बच्ची को कैसा मार बोला था तुझे? पागल करके मार दे बोला। पूरा दिमाग चले गया उसका, प्राइज का। अच्छा क्या कर रहा था तू अंदर से? पागल क्या ऐसी हरकत करा रहा था उसके साथ में? कौन करा रहा था उसको? पागल, सोना, कौन करा रहा था? तूज कर रहा था पूरा तेरे को मार के जमीन में गाड़ दूं तेरे को बाटल में डाल के। कम बखत बाप का तेरे रात चल रहा है बस। हाँ और इसके घर में किस किस को मारने वाला था? हाँ बच्चे को। कौन सा बच्चा, नाम उसका? आतिफ। क्यों मारने वाला था बच्चे को? बहुत चिढ़ाती इसपे। अच्छा चिढ़ाती। जादूगर ने बोला क्या मार दो बोल के? वो लोगों ने बोले थे क्या जादूगर को? हाँ वो ये बच्ची के मायके के है, ससुराल के तरफ के। ससुराल के। ससुराल के। नाम नहीं पूछा मैं, औरता है आदमी है? औरत है। और उसके साथ कोई मिला है क्या? हाँ। कौन है? नाम नहीं पूछा मैं, कौन है? आदमी है और औरत है उसके साथ मिला ली? क्या उसकी बेटी है? बेटी मिला ली है। हाँ मुझे सब मालूम रहता ना लायक तेरी जबानी, जल्दी बयान कर, अगर नहीं करो तो काट के बसम कर दूंगा। अभी तक कितने इंसानों को मारा? मार देंगे। अभी तक कितने लोगों का सब पागल कर करके मारा? ये पहला शिकार था ये? अच्छा तू मरे वाला इंसान है कि जिन्नात की नस्ल से है? जिन्नात। मिन्हा खलकनकुम फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कौन है तू? जिन्नात की नस्ल से है, इंसान की नस्ल से? जिन्नात। कौन सा जिन्नात है? खबीस है। कौन सा है? खबीस है। खबीस नालायक निकट्टू, ऐसा लोगों को परेशान करता। कमबख्त शर्म नहीं आ रही तुझे? और उसके शोहर की कमाई की बरकत भी उड़ा दिया था क्या? क्या करा था बोल, क्या क्या करा? सब बर्बाद। हाँ और सब उल्टा। हाँ और उल्टा। घर में लड़ाई भी लगा।
कर रहा? बहुत मजा आता। क्या मजा आता तुझे? दोनों में नहीं बनती। अच्छा दोनों में नहीं बनने देना, बोल के तुझे मजा आ रहा लड़ाई लगाने में? हाँ अच्छा बच्ची को कब मारने का बोले थे? अम्मास में पूनम में। हाँ जोर से कैसा मारो बोले? सुसाइड करा के, बीमारी डाल के, एक्सीडेंट करा के, तड़पा तड़पा के, तड़पा तड़पा के मार दो बोले। इसे पहले नाम बयान करा क्या उन्हें? नहीं। इसे पहले कहीं हाजिर हुआ क्या उन्हें? नहीं। इसे पहले बताएगा तुमने इलाज उन कितने जगह बताए? बहुत जगह। कहीं हाजिर नहीं हुआ? नहीं। क्या बोला? श्री राम। और तुम्हारी जवाब दे देंगे कुमार तुम देखो। हाँ चल बता जल्दी कौन थी वो औरत? जोर से। हाँ जोर से। हाँ 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 कौन है? शरद। इसका क्या लिख गई थी जादू चलाते टाइम पे? हाँ जादू चलाते टाइम पे इनका क्या नाम है? शमीम का क्या लग गई थी जादू चलाते वक्त? बाला। कौन उठा के लग गया था? खुद उन्हें लग गई? किसके हाथ से उठाने लग गई? उन्हें खुद लग गई। अच्छा और दूसरी बात के वो शमीम के साथ और कौन मिले आला है? वो औरत के साथ में और कौन मिले आला है? कौन है उसका नाम दूसरे का? जोर से। क्या जोर से क्या नाम है वो? साफ साफ बोल पूरा नाम। क्या 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 जोर से। अच्छा तो उन्होंने इसको कहीं में मिला खिलाए थे बच्ची को? क्या नाम बोले इनका पेशेंट का? शमीम। हाँ ये शमीम को कब मिला खिलाए थे? कई में जल्दी जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, दो पूरा मार के बस कर दूंगा मैं। हाँ हाँ खाने में कई का खाना था वो? कई का खाना था वो? कई का खाना था वो? जल्दी। हाँ कई का खाना था वो? जल्दी बोलने तो पूरा बसम कर दूंगा। कई की नहीं आती वो? कितना टाइम हो रहा इसको खिला के? कितने साल हुए? 10 साल। 10 साल से तेरा मुद्दत तो खरीब आ गई होगी उसको मारने की। कितना टाइम बचा था सही से बोल? बहुत खरीब आ गया टाइम तो। अब कितना टाइम बचा? एक महीना। एक महीने में मार देने का था तो महीने में अम्मास में पूनम में? पूनम। अच्छा चल तो बता पकड़ जल्दी, दोनों हाथ मुंह मार के तो बता पकड़ने दो, टुकड़े कर दूंगा तेरे। जोर से बोल तो बता। हाँ जोर से तो बता बोल। जोर से तो बता बोल। आएगा दोबारा? हाँ करेगा इंसानों को परेशान? लिंगा इंसानों की जाना? कम बात ध्यान लेने से मेरी जान उठी तो जाना ले रहा बसा तो आकर जोर से तुम्हारा बाप का राज चल रहा रे। हाँ जोर से तो बात होगा बोल तो बात होगा। अंडा के बोल, अंडा के बोल। सुने नहीं आ रहा मुझे? सुने नहीं आ रहा? उन्हें नहीं आ रहा? देखा ना कैसी मार पड़ती? देखा ना ये अल्लाह के कलाम की ताकत है? चल निकाल छोड़ के दिखना ना मुझे दोबारा। दवा भी बाहर निकाल के फेंकता हूँ पूरा अमल करा के कमीने। जब तक निकल तू यहाँ से चल चल जा, जा। अगर उन्हें दिखा दो जंजीरों से मारो ना लाया तू मत। चल रही दस ला कैमरा। इससे पहले हाजिर हुआ क्या? ऐसी जोर से बोलो। ऐसी जोर नाम बोला क्या?
राम चिन्ने श्री रामपुरी थे सब। खाली उत्तर बोलता था, उसके आगे बात नहीं करता था ज्यादा। तकलीफ क्या क्या देता था? तकलीफ ये छे कि हमारी कुछ कमाई वो नहीं, और समझो इनो एकदम सुन सुन रहे। वो उन्होंने सब जगह लिख गए, हर तरफ बताए, इलाज वालों के पास में बैठे नहीं समझे की जाने के लिए दरगाहों को भी होंगे नहीं गए। नहीं, 40 वो की दरगाह पे वहां से पानी नहीं ला। क्या बोला था वहां पे? नहीं सिर्फ वहां से उन्होंने बोले पानी नहीं ला दो, पानी नहीं ला। हाँ इधर वो जादू टोना जिन्नाता शैताना भूता थोड़े ये जो भी वार रहते ये सब अलग अलग किस्म के रहते। अब ये ऐसे किस्म का कर दिया था कि पागल के जैसा करा के मार देने का हुक्म दिया था उसको, जो खबीस था वो, और करे थे कोई गैर मुस्लिम शख्स था और पाप जो भी है एक उसने करा था वो उन्हें बयान कर रहा। उसके अंदर वो कौन से शहर का नाम दिया? श्री रामपुर मेरे ख्याल से, यहाँ पर है वो तुम्हारे औरंगाबाद के आगे तालुका है, जिला है, क्या है जिला है। अच्छा तो वो श्री रामपुर से कोई जादूगर के पास से करा होगा, और भी मैं डिटेल में पूछा था, मगर ये सब बातें पूछ के करने का क्या है? मुद्दे की बात सबसे अहम ये रही कि तुम क्या बोलते तो आम खाने का उठ लिया कि इनके झगड़े करके नाम आ जान के क्या करेगा। फिर भी मैंने नाम पूछाया, आज तक तो उन्होंने नाम नहीं बोला किसी के सामने, मगर यहाँ पर दाल किसी की मैं गलने देता नहीं अल्लाह के हुक्म से, यहाँ सब बयान करना पड़ता किसी शैतान की जिन्नात की कोई औकात नहीं है अल्लाह के कलाम के सामने। इबादत में वो ताकत रखा अल्लाह ने कि कर मेरी इतनी इबादत के मैं तेरी जबान बन जाऊं, कर मेरी इतनी इबादत के मैं तेरी आंख बन जाऊं, कर मेरी इतनी इबादत के मैं तेरी सोच बन जाऊं, कर मेरी इतनी इबादत अल्लाह फरमाता कि मैं तेरा पैर बन जाऊं। उसका मतलब ये है कि तू अगर जो सोचेगा वो तू नहीं सोच रहा मेरे बंदे, वो मैं सोच रहा। अगर मेरी इतनी इबादत के मैं तेरा हाथ बन जाऊं, पैर बन जाऊं, हाथ का मतलब ये है कि तेरा तू किसी भी मजलूम के सर पे से तू हाथ फेर देगा या तू कोई भी चीज पे से हाथ फेर देगा, सारी परेशानी आफतें दूर कर दूंगा मैं, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा तूने मेरी इतनी इबादत कर मैं तेरा हाथ बन गया, तेरा पैर बन जाऊं। का मतलब ये है कि अल्लाह ने फरमाया मत कर मेरी इतनी इबादत मैं तेरा पैर बन जाऊं। तू उस बंजर जमीन पे कदम रख दे जहां हजारों सालों तक अनाज नहीं उग सकता, वहां पर हरियाली फोड़ दूंगा, क्योंकि तू पैर नहीं रख रहा। अल्लाह फरमाता मैं पैर रख रहा। फिर अल्लाह फरमाता कर मेरी इतनी इबादत की तेरी जबान बन जाऊं, सोच बन जाऊं, आंख बन जाऊं, तू तूफान को भी अगर देख लिया तो पलट के भाग देगा तूफान, क्योंकि तू नहीं देख रहा मैं देख रहा। अल्लाह फरमाता कर मेरी इतनी इबादत की तेरी जबान बन जाऊं। बल्कि अल्लाह ने बुजुर्गान दीन ने देखने का मुर्दों को उठाए उठ, ईसा अलैहि सलाम ने तो भी बोले थे कि कुम बिस्मिल्लाह उठ अल्लाह के हुक्म से, और कुतुब रब्बानी अब्दुल खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बोले थे कि उठ अब्दुल खादर जिलानी के हुक्म से, तो मैं कव्वाली गाता हुआ उठाता 40 साल पुराना मुर्दा। क्यों उठाता? क्योंकि जबान जो थी वो उनकी जबान नहीं थी, वो अल्लाह की जबान थी। और जब अल्लाह फरमा देता फिर वहां तो पत्थर की लकीर है, वहां तो क्या बोलते तो सबको सुनना ही पड़ेगा। और सबसे अहम और मेन बात ये रहती है कि इबादत की राह करो तुम, इतनी इबादत तुम भी कि तुम बन जाओ फिर उसमें मिल जाओ और वो तुम्हें मिल जाना, दोनों एक दूसरे में मिलके राजदार हो जाओ। तुम दुनिया देखने में इतने बिजी हो जाते, तुम मोबाइलों पे रीला देख रहे, ढकल ढकल के छोटे छोटे वीडियो देखने में 4-4 घंटे लग जा रहे तुम्हारे, मगर 5 मिनट की तुम्हारे नमाज पढ़ना नहीं हो रहा। अल्लाह के सामने अगर तुम सजदे में खड़े रहे तो तुम ऐसे स्पीड में सजदे मार रहे जमीन को, ऐसे स्पीड में सजदे मार के उठ जा रहे कि तुम्हारे शर्म नहीं आ रही कि इबादत के अंदर जब तुम खड़े हो गए तो ऐसी इबादत करना कि अल्लाह तुम्हें उनको सजदे करने का मौका दिया। और ये नालायक हो बेवकूफ हो ये मत सोचो कि हम आज नमाज नहीं पढ़े यार, आज नहीं पढ़े कल पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़े परसों पढ़ेंगे। अबे अकल के अंदर ये सोचो कि आज तुमको अल्लाह ने सजदा करने की तौफीक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जाओ रो गिड़गिड़ाओ अल्लाह के सामने, आज एक टाइम की नमाज छुड़ गई हमारी, अल्लाह हमसे क्या खता हो गई जो तुमने हमको सजदा नहीं करने दिया, तेरे बारगाह में बुलाकर सजदे की तौफीक अता नहीं करा। ये सोचो कि खुश मत हो कि आज हमसे छूट गई, आज हम पिक्चर देखने में बिजी थे, आज हम शादी में नाचने में बिजी थे, आज हम जन्मदिन एक नया रिवाज लाए, एक नया फितना चल रहा तुम्हारे अंदर मैंने देखा स्टेटसों पे, व्हाट्सअपों पे, फेसबुकों पे, कहां लगा कर रखे जन्मदिन मना रहे। जन्मदिन कहां से लाए ये कल्चर? कहां था जन्मदिन मनाने का हुक्म? कहां से लाए? कौन क्या बयान करूं मैं? हां नबी की योम पैदाइश का दिन आता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रबीउल अव्वल, तो तुम फतवे लाते उस पे कमबख्त हो, नालायक हो, जहन्नुम के ईंधन हो, फतवे लाके बोलते कि नबी का ये हम नहीं मनाते पैदा होने की खुशी, नबी के पैदा होने की खुशी तो सारे आलम ने मनाया थे, सारे परिंदे चरिंदे सारे सब सजा दिया था अल्लाह ने नबी जब दुनिया में तशरीफ अल्लाह रहे थे। तो पढ़ो ना वाकया, सिर्फ एक शख्स रो रहा था और उसके साथ रो रहे थे, वो था इबलीस।
जब आप इब्राहिम ने जब आए जिब्रील अमीन और एक झंडा मशरिक में गाड़े और एक झंडा बीचो बीच दुनिया के गाड़े काबे के ऊपर और एक झंडा मगरिब में, तो जब जिब्रील अमीन ने बोले कि या अल्लाह मैंने पूरी दुनिया में चरिंदों को, परिंदों को, पानी को, आग को, सूरज को, हर किसी को खुश होते हुए देखा, हर कोई खुश हो गया, तेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अव्वल व आखिर खातिमुज़्ज़मा पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौलीद होने पर, पैदा होने पर, पैदा यौम पैदाइश पर, पूरी दुनिया की हर शय और हर चीज खुशी मना रही, सिर्फ मैंने एक शख्स को अंधेरे की तरफ औंधा पड़े वाला और रोता हुआ देखा, कौन था वो? अल्लाह ने फरमा वो तो इबलीस है ना, बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए बोलकर उसको तकलीफ हो रही है, रो रहा उन्हें, तो नबी की पैदाइश पे सिर्फ शैतान रोता और उसके बच्चे जो एकदम उसके उससे पैदा हुए वाले जो बच्चे वो बच्चे उनका विरोध करते नबी का। कुरान में फरमा दिया अल्लाह ने सूरह नून के अंदर पढ़ो कि वो हराम की औलाद है जो नबी के शान में गुस्ताखी करता, अल्लाह ने फरमा दिया और नबी की पैदाइश तुमने मना रहे और तुमने खुद के जन्मदिन मनाने के फतवे ला लिए, अच्छे केक काट रहे तुम्हारे बेटियों के बेटों के बर्थडे मना रहे, तो कहाँ से है बर्थडे का रिवाज, कह का रिवाज है, बहुत देखा मैंने, शर्म करो कर्म के चलो, मरेंगे तो जहन्नुम का ईंधन बनेंगे तुम लोग, और नबी की शान में गुस्ताखी करे जैसी बात हो रही कि उनकी यौम पैदाइश हम कैसा मनाएंगे, तुम्हारी नहीं मना सकते, नबी की तो मना सकते हैं, क्योंकि नबी की तो देखो ना अल्लाह ने सब सजा दिया था ना, तुम पैदा हो रहे हो, वाकया पढ़ो भी पता चलेगा, फिर उनके इस पे कहां से तुम फतवा लाते, खुद के बच्चों का मना रहे, वारे नफसी नफसी करने वाले कमबख्तो नालायक हो, और वहां फतवे नहीं लग रहे तुम खुद का जन्मदिन मनाने के वास्ते, और क्या बोलते तो जहां उनकी बात आ रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, वहां से तुमको भटका दे रही यहूदियां, हटा दे जा रहे तुमको, इसलिए बेहतर है ये सब बातों पे अमल करो, छोटे मोटे नबी की शान पे तो सब कुछ कुर्बान, यहाँ तक के माँ बाप और यहाँ तक के क्या मैं बयान नहीं कर सकता, अल्लाह ने पहले फरमा दिया कि हमने तुम्हारे दिल में और तुम्हारे सीनों में मोमिन बंदों के जो मोमिन बंदे ना उनके सीनों में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत भरा कि कूट कूट कर सीने में मोहब्बत भरे अली, तो दिल की धड़कन से भी करीब उनको रखे अल्लाह, जान जान से करीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब वाकया पढ़ो तो पता चलेगा, मैं तुमको ये कह रहा था कि इबादत की रस्सी को राह को मजबूती से थामो, और ये फितने ये शर ये जो फैल रहा और तुम्हारे दिलों में नबी के वास्ते जो नफरत डालने की कोशिश कर रहे, तो समझो वो यहूदियों के पिल्ले और वो यहूदियों को नसारा के जासूस आए, वो जो कि आलम इस्लाम में दाखिल होते भेज बदल कर और बड़े मुफक्किरीन आलिम बनते और गलत फतवे सिखा के तुम्हारा गलत फतवे देके तुम्हारा उनका सिर्फ एक ही मकसद रहता, उनका शुरू से तारीख पढ़ लो, तुम सारे तारीख उठा के पढ़ लो, तुम्हार को दीन और हदीस से दूर करना, दीन और हदीस कुरान पढ़ने से तुम अल्लाह के नजदीक नहीं जाते, रसूल अल्लाह की मोहब्बत से अल्लाह के नजदीक जाते तुम, क्योंकि तुम रसूल अल्लाह की मोहब्बत में जितना मिटेंगे और गर्क होंगे तो ही तुम असल मानों में इबादत की राह पे जाएंगे, और वो इबादत इबादत और ओरिजिनल होते 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 तुम आप लेके जाती, फिर जब रसूल अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा होंगी तो तुम्हारे दिल में फर्ज नमाजों के वास्ते मोहब्बत पैदा हो जाएगी, फिर तुम्हारे दिल में सुन्नत नफिल वाजिब कुरान पढ़ना हदीस पढ़ना दीन फैलाना तबलीग करना सब धीरे धीरे पूरा ढांचा तुम्हारे दिल में तैयार होते जाएगा, और जब मेन बुनियादी पिल्लर इस तुम्हारा मेन सही नहीं रहेगा, मेन बुनियादी पे मेन काउसेस पिल्लर जो रहते बिल्डिंग के वो इस तुम्हारे मजबूत रहेंगे तो फिर ढांचा बिल्डिंग का कहां से तैयार होगा, कल के अंदर समझो तुम्हारे पिल्लर और तुम्हारी मेन बुनियाद है तुम्हारे दीन और हदीस की और तुम्हारे दीन और आखिरत की मेन बुनियाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, और मैं बार बार ये बातें इस वास्ते तुम्हारा बताता कि तुम कितनी भी इबादत कर लेंगे, तुम कितनी भी इबादत करके सजदे मारेंगे जमीन पर कितने भी तो तुम्हारे सजदे कुछ कबूल नहीं होते, कुछ मतलब के नहीं होते, तो सजदे तुम्हारे क्या मतलब कि तुम्हारे मुंह में फेंक के मार देंगे, नमाजें तुम्हारे मुंह में फेंक के मार देंगे, तो तुम्हारे जितने भी अच्छे कर्म सब तुम्हारे मुंह में फेंक के मार देंगे, जाओ बोलेंगे उनके अंदर मन के पड़ो, फिर क्या करेंगे जब कहाँ जाएंगे बचने के लिए, तो समझो दिमाग में बैठाओ, उमर बिन खत्ताब को अल्लाह ने वो मर्तबा दिया था कि सूरज को पलट के देखे तो किरने वापस लपट लेते थे, क्या उमर बिन खत्ताब पूरी जिंदगी सजदे में सर रखे थे क्या, बुढ़ापे में ईमान लेके आए थे जब, तो जो भी है तो आदेश ज्यादा उम्र तो हो गई थी ना जब उन्होंने ईमान लाए थे, तो जब पूरी जिंदगी उससे पीछे की तो उन्होंने कुफर में बिताए थे, फिर कैसा रुतबा क्यों दिया था अल्लाह ने, तबा रुतबा इस वास्ते दिया था कि नबी की मोहब्बत थी दिल में, वैसे क्या ऐसी मोहब्बत थी कि बाप खाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा था, खत्ताब ने बोला था कि उमर मैंने तेरे को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़ अल्लाह सर लाने गया, तू क्यों नहीं लाया, उनका गुलाम कैसा बन के आ गया तू, तो उन्होंने बोला उमर रजी अल्लाह तआला ने बोले खत्ताब को कि रुक जा खत्ताब, गलती मत कर, नबी है वो, नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश मत कर, तो बाप को बोल रहे हो, तो बाप ने बोला कम बखत बोल के था नबी के शान में गुस्ताखी करना दो तीन अल्फाज से गलत बोलना, बोलने से पहले तो उन्होंने तलवार निकाले म्यान से और बोले बेअदब बोल के एक मिनट में धड़ अलग मुंडी अलग कर दी अपने बाप की,
वो मोहब्बत करे नबी से, वो ये मोहब्बत करे सहाबाओं ने, जब अल्लाह ने उनको रुतबे अता करा था कि अपने बापों के सर जमीन पे गिरा दिए कि नबी के शान में, मगर एक गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सके, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, उसमें कोई दोहरी राय नहीं है, नबी के शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते, दोहरी राय ही नहीं है उसके अंदर। बाप का धड़, बाप का सर जमीन पे गिरा दिए तो दूसरे का क्या सोचेंगे, ये बात अंदा ये करो। और दूसरी बात सबसे अहम, मैं बार बार ये कहूंगा कि तुम्हारे दिल में और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ डालने की कोशिश, बातें बिठाने की करती होगी मसारा, बचो उनके इससे, अल्लाह बोलो कि महफूज रख, और इबादत की राह को मजबूती से तुम थामेंगे तो तुम खुद को सब सुधर देंगे, सब तुम आप समझ में आएगा। नेक बनने की कोशिश करेंगे इबादत की राह, तो फिर अल्लाह तुम्हारी रहबरी करता, और अल्लाह जहाँ रहबरी करेगा तो वहां पर उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसको वो नहीं कर सकता। और जहाँ अल्लाह अगर रहबरी नहीं करेगा, दुनिया की रहबरी तुम लिखे तो यकीन जानूंगा जाएंगे जानूम के अंदर मनी खबर में भरना पड़ेगा, दुनिया में भरना पड़ेगा, आखिरत में भरना पड़ेगा, लामहदूद भरना पड़ेगा, कोई तुम आपको नहीं बचा सकता। फिर तुम हम में से नहीं है, तुम हम में से नहीं है, फिर तुम हम में से नहीं है, बोल दिया बताया। पढ़ो तुम, पढ़ने के बाद तुमको पता चलेगा, अल्लाह का हमें सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। मैं बार बार यही बोलता हूँ, ये सब अलग अलग किस्म के लगे अलग बोला है, अभी इनकी जो किस्म का है, अब ये भी क्या बोला था, खिला के करके क्या क्या चीज़ों में खिलाए तुम बोला, उसके बाद छोड़े वाला तो, और बाकी तो सब क्या समझ रहे थे कि बीमारी का पेशेंट है, कहीं घूम रह रहा ये रह रहा, मगर वो नहीं रहते, इस दास्तान में नहीं है, सब अमल अवलियात के वार है, अमल अवलियात खेल है, जादू टोने से हर वो चीज कर सकते, जादू टोने से क्या नहीं कर सकते मुझे बोलो, इंसान की मुद्दत बन के मारते, बीमारी पे डाल के मारते, सड़ा के मारते, गला के मारते, जादू टोना शैतान की खास बात रहती। तुम कितने बड़े भी इंसान रहो, तुम पैसे वाले रहो, गरीब रहो, फकीर रहो, नौकरी वाले रहो, बगैर नौकरी वाले रहो, तुम यहाँ तक के नासा में भी जाके बैठो, तुम चांद पे भी जाके बैठो, वहां तक वो आराम से जाते हैं, किसी को गिनते नहीं, कोई बादशाह नहीं, कोई भिखारी नहीं, कोई फकीर नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, सारी सिक्योरिटी तोड़ते हुए घुसते अंदर बरोबर हमला करके रिटर्न आते, वो उनकी खास बात रहती है बलाओं की, मैं रात दिन बैठ के बता रहा, अच्छे अच्छों को नहीं गिनते हो, यहाँ तक के बड़े बड़े मैं बोलने वालों ना गाड़ियां उठा के नदियों में डाल देते, फेंक देते, एक्सीडेंट ना करते, रोडों पर जो आधे से ज्यादा एक्सीडेंट होते तो क्या रहती है, इसी तक क्या बोलते तो बलाएं ली जाते, ली जाकर गाड़ी गाड़ी ठोक देते, बहुत तमाशे करते हो रात दिन, पूछा है नहीं क्या मैंने, इससे पहले सारे बातें पूछा है ना, इससे पहले कैसा बोलता हूँ एक बच्चे को मारने करता, पीले कलर की बस थी, वीडियो देखो उसमें पता चलता, बाद में नीचे कमेंटों में भी लोगों ने बोले कि हाँ बरोबर पीले कलर की बस में पूरे बच्चे मरे थे, हम उधर का वाकया यूपी का यूपी का कहता हुआ था, उसमें जिन्ना बयान करता ना बोलता उसने जो मारा था बस को उठा के पलटी कर दिया था, एक बच्चे को मारने करता तो एक वजह से 40 को मार दिया था उन्होंने, अगर वही बस के अंदर कोई बच्चा दुआ पढ़ के बैठे लड़ता था, अगर माँ किसी बच्चे की नेक साल अहम रहती थी और उन्हें बोलती थी कि मेरे बच्चे को दुआ पढ़ के सिखाती, मेरे बच्चा दुआ पढ़ के कदम बाहर रखता था घर के, तो यकीनन वो एक के तुफेल में पूरे बच जाते थे अल्लाह के कलाम की बरकत से, जैसा कि एक की नहुसत की वजह से सब मरे, वैसे ही अल्लाह के हुक्म से एक बरकत वाला अंदर कोई बैठा लड़ता था दुआ पढ़ के निकले आला, तो एक दुआ पढ़े वाले की बरकत से अल्लाह सबकी जान बख्श देता था, फरिश्ते उतर जाते थे हिफाजत को, ऐसी बात करते। और हाँ एक बात मैंने ये भी देखा कि तुम लोग क्या भूखते धुलियाले है क्या, अरे यकीनन तुम मरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, तुम लोग क्या अगर ऐसा सोच रहे क्या हम दूसरे पे जादू चला देंगे, हम कुरान पढ़ने के बाद कोई हम पे वार नहीं चला सकता, ये जहन से निकाल दो बात, क्योंकि तुम अगर किसी का घर जलाने की कोशिश करेंगे यकीनन तुमको भी मार पड़ती, यकीनन मारता फिर उन्हें घेर के लेके आजाब में, फिर तुम्हारा कितना भी पढ़े आला कुछ भी, क्योंकि यजीद ने भी तो पढ़ा था ना उस दौर में, ताकि अभी पढ़ेंगे उसके भी लोगों ने पढ़ेंगे ना, उनके मुंह पे उनको फेंक के मार देना, सबको मालूम है फेंक के मार देते, चलो तेरे तेरा नमाज है सब तेरे मुंह पे, सब तेरी चीजें लेके जा बोलते, कोई जरूरत नहीं, तो क्योंकि तुम्हें अल्लाह को दिखाने को नहीं पड़ा था, तुमने खुद दुनिया वालों को दिखाने के वास्ते पड़ा था, अल्लाह को दिखाने के वास्ते जो पड़ता ना तो उन्हें किसी पे जादू टोने करता नहीं, किसी की राह में कांटे डालता नहीं, उन्हें जो भी मांगता अल्लाह से मांगता, जो भी राज रहता अल्लाह उससे राज रहता, और उन्हें अपने रब के इसमें रहता, लव में लगे अल्लाह, सब अपने रब से मांगेगा अपने रब से, और उसके सामने कोई आ भी गया कि भाई मैंने गाड़ी लिया, बंगला लिया, कार लिया, तो उन्हें क्या बोलूंगा, अरे वो अल्लाह ने दिया तुझे माशाल्लाह और दे, और उसको अगर लेने का गया तो अल्लाह भी जाकर बोलता कि अल्लाह मेरे को भी गाड़ी दे, बंगला दे, कार दे, और जो तुम शैतानी वसवसे वाले के पास जाके बोले ना, जो नफसी नफसी करता नालायक निखट्टू, तो वो नफसी नफसी करने वाले जाकर बोले मैंने कार लिया, क्यों दिक्कत होता, कार लिया, बंगला लिया, बंगला लिया, कैसा लिया, रात भर उसको नींद नहीं आती, फिर क्या करता, जादूगरों के पास जाके तुम्हारे पे जादू टोना टोकता, और तुम अपनी बस खड्डे में लाके डाल देता, फिर भीख मांग मांग के खत्म हो जाते तुम दुनिया से, अब तुम आपको समझ में नहीं आता क्या हो रहा तुम्हारे साथ, और तुम बोलते क्या है कि भाई हम बाबाओं के पास भी गए, हम इलाजों को गए, दुआ पानी को गए, हमारा कबूल इतने कर रहा अल्लाह, कबूल इतने कर रहा, अब निकट तुम जहाँ जो चीज का हल है वहां जाओ तो उसका हल मिलेगा तुम्हारे, मनमानियां करेंगे अपने दिल से बोलेंगे तो फिर भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी।
कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह से अमल करने की तौफीक दे। मुझे बोलना तुम पे वाजिब है, इसलिए मैं तुमको सिखाता, मैंने सिखाऊंगा तो तुम कौन सीखेगा, और तुम अगर ना सीखेंगे जो ना मांगे सीख वो फिर दर दर मांगे। उनके मुंह पे मारना ये पानी, और इस पैतल कुर्सी सात बार करो।